हेलो। क्यों डर रहा है भाई रजा खानी, क्यों डर रहा है इतना? लोग हेलो इतना बौखलाए हुए हो, कुछ कहने रजा नहीं, अभी खानी, से क्यों बौखला इतना गए। डर रहा है, क्यों डर के भाग रहा है? मैं तुझसे डरूंगा, तेरी औकात क्या है? इतनी पिटाई हो गई, डर के तू क्यों भाग पिटाई रहा हो है? गई, झूठ बोल रहा है। तू एक तू हवाला कह तो दे नहीं पाया, दिया तो, हवाले का सही मफहूम मालूम है अबे तुझे? देखा भी तूने, देख देख तू देख कह पहले रहा देख है यार, कि सुन मेरी बात, अब सुन मेरी सुन बात मैं सुन, इबारत पढ़ रहा हूँ, जवाब देता हूँ, अब मैं अब जवाब भेजा देता ना, हूँ तुझे, सुन ले, इसमें लिखा अब सुन है पहले, अब सुन पतावर। पहले, बौखला जा बौखला जा बौखला जा, यहीं अरे पे तो तुझे तेरे तुझसे आला हजरत बात की करना किताब पढ़ रहा कंफर्टेबल हूँ, नहीं पढ़ने है। नहीं दे रहा, वो अपने ही आला हजरत की किताब नहीं पढ़ने दे रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, पतावर रजविया जिल्द 29 सफर नंबर 209 पे लिखता है तेरा काला हजरत, लेकिन कब्र को बोसा देना, तवाफ करना, उर्स वगैरह सब नाजायज जो हराम है, तू कह रहा है कि जायज है, तो तेरा अच्छा, ये आला फतवा हजरत का तेरे कॉल आला है, हजरत के खिलाफ है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हाँ ये आला हजरत का कॉल है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ मासूम किसका के कॉल मुंह है के ये? ऊपर कुफ्र नहीं निकता, इमाम गजाली रहीमुल्ला का कॉल है। अच्छा, अगर तेरे आला आला हजरत हजरत का इमाम कॉल हो गजाली तो, की कॉल को नकल कर रहे हैं, क्या नकल हाँ कर रहे हैं? कि हाँ जो है बोसा बोसा करदन वो सरदा दादन, कि लफ्ज मौजूद है हाँ उसके अंदर, बोसा करदन। इमाम गजाली हाँ रहीमुल्ला फरमाते हैं कि बोसा करने के बारे में फरमाते हैं कि किस तरह की खुराफात, तवा जाकर मजार पर तवाफ करना और जो है कब्र की तरफ खड़े हो जाना, मुंह करके बोसा देना, झुकना, इसमें कुफर का शेवा है। और उस इस तरह अंदाज में वाह रूह वाह, को उर्स माशाल्लाह करना, माशाल्लाह, कुफर का बिल्कुल सेवा आला हजरत इसके अंदर नक्सल फरमाते हैं। मैं है। वही तो आपसे कहा था, ये इमाम गजाली का नीचे है, नीचे है, एक इसकी इबारत के बाद है। देख बता झूठ, रहा हूँ, अब मैं बता तेरे रहा हूँ, आला सुनो हजरत का झूठ फिर पूरी बात पकड़ा सुनो गया, तब तुमको ये समझ में देखो नीचे है तेरा आला, आएगा। सुन सुन तेरा आला दूसरा हजरत दिखता, सुन पहले, लेकिन अब मेरी कब्र बात को सुन, बोसा देना, तवाफ करना, उर्स वगैरह सब नाजायज जो हराम है, और ऐसा किसने करना कहा है, जियारत करने के तरीका अदाब किसने के कहा है, खिलाफ किसने है। फिर आगे लिख रहा है, कहा, चुनांचा इमाम गजाली किसने कहा? रहमा आयाल उलूम में फरमाते हैं ये कि जियारत के आदाब आयाल यह है उलूम में कि इमाम कब्र गजाली की, अरे रहीमुल्ला देख फिर फरमाते हैं कि इस तरह की खुराफातें जो उर्स में आजकल होती है उसके बाद उसको बिल्कुल नकल है। मना करना चाहिए। आला हजरत ने मुतकल नहीं है, आला नहीं, हजरत तेरे का फतावा दिखा देख दो। मेरी बात ये सुनो ना, मेरी बात इमाम सुनो ना, गजाली का कौल इसके बाद नकल है, और ये झूठ बोलता है, देखो देखो अभी आप सारा सरासर नंबर झूठ खोलो, भाई बोलता झूठ है, बोल रहा है। देखो मैं खोल रहा हूँ, सरासर झूठ बोलता है ये। सफा भेज रहा हूँ हाँ मैं, देखो आगे का सफा भेज रहा हूँ, क्या चीज सफा भेज रहा हूँ। आगे का? हाँ जिससे सुनिए, सफा नंबर 209 भेजा है, हाँ तो आगे का कि आगे का पहले सफा का? नंबर, आगे का क्या कहते हैं, बाज नंबर 5 मानते हो, फरमाते चुनांची इमाम गजाली रहीमुल्ला ने हवाले उलूम के अंदर फरमाते। आगे का वो सफा है, आगे का वो इबारत है, वो चुनांचे हाँ इमाम गजाली, यानी तो पहले अपनी बात इमाम पहले। कॉल नकल किया है, सुनो मेरी बात, इमाम हाँ गजाली ने कॉल नकल किया है। हाँ क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, कबर की क्या जियारत करने से रसूलुल्लाह ने पहले मना फरमाया था, फिर आपने इजाजत दी थी, मैं तुम्हें कबर की जियारत करने का हुक्म देता हूँ। इमाम गजाली फरमाते हैं कि कबर पे जाना, बोसा देना और वहां पे तवाफ करना, हुजूम मचाना और जो है उर्स करना, इस तरह हराम है। और मुतलकन उर्स को नाजायज हराम नहीं कहा है। अरे यहाँ साफ लिखा है बे, झूठ क्यों बोलता है बे, आला बरेलवी हजरत अपने का, आला हजरत पे आला कितना झूठ हजरत का खुद बोलेगा, कौन, आला हजरत ने अपने मुफ्ती आला है, हजरत, अपने आला नकल हजरत पे कितना करने झूठ में फतवा बोलेगा, तू दिया, कितना झूठ बोलेगा, ये देख झूठ अल्लाह मत के, बोला, अभी तूने कहा आगे आगे लिखा है, ये झूठ देख खुद तू ही बोल रहा लिखा, है, झूठ साफ तू ही साफ बोल रहा लिखा है, मैं झूठ है, नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कब्र को बोसा देना, तवाफ करना, उर्स वगैरह सब नाजायज हराम है। क्या चीज? हाँ तो मुतलकन बोसा उसको देना, हराम तवाफ नहीं कह रहे, मैंने तुझे कर, कहा था ना अच्छा मुतलकन दिखा दे तवाफ आला करना हजरत को, हराम है कि नहीं है? मैंने तुझसे कहा था मुतलकन दिखा दे, और ये तो तेरे मौलवी मुतलकन ही है उसको ना, जायज कह रहे हैं कि मुतलकन ही उर्स है किसे ना, कहते हैं, उर्स का माना मुतलकन मफहम बता है, रहे हैं। उर्स वगैरह सब नाजायज हराम है, ये कहाँ लिखा है सब मुतलकन नाजायज हराम है, कहाँ है। अब लिखा ये है क्या लिखा तो है इसमें, खुराफात के बारे में नाजायज हराम लिखा इसमें, है, खुराफात दिया है कि क्या बात लिखा नहीं है, आला इमाम गजाली ने नीचे खुराफात क्या तो लिखा है, वैसे भी देखो नाजायज। यहाँ देखो उर्स इमाम करना, गजाली बोसा रहीमुल्लाह ने देना, फरमाया नीचे नीचे उसके नीचे साथ देखो, इमाम तवाफ गजाली करना, तीन फरमाते चीज हैं, का है इमाम ये, गजाली देखो फरमाते हैं, इसे देखिए ये इमाम बरेलवी जो गजाली है आता फरमाते हैं रजा, इतना अपने इमाम, आला अरे जैसे मेरी झूठ बात सुन, बोलता सर क्यों है, इतना तड़प रहा है, मैं झूठ बता पे रहा हूँ, झूठ तड़प क्यों बोलता रहा है, है, गामर कहेगा, अरे क्यों इतना रखे, भी झूठ, तसल्ली फरमाते हैं कि इतना भी झूठ मत सदा बोल, करते कुफर अपने का आला सौंस हजरत को कितना जलील करेगा झूठ बोल के, है, कुफर का ऐसी इतना सख्त ऐसी तो सख्त कुफर का है तो है, उर्स करना ऐसी कुफर है कुफर ना, का है, ये कुफर का सरदार अंदेशा है, है, उफर, देखो उर्स करना कुफर का अंदेशा है, तू मान लिया, मेरी बात सुनो, मेरी चलो बात बहुत सुनोगे अच्छी तुम बात है, कम फतवा से कम करोगे, मान लिया, तो मान लिया, बहुत बड़बड़ अच्छी बात बड़बड़ करने लगा, है। बड़बड़ करने लगा, वो तेरी आदत है बे गधे। बड़बड़ करने लगा। इमाम गजाली फरमा रहे कुफर का भी में शेबा है, कुफर का खौफ है, हाँ तो इमाम गजाली फरमाते, तो तो इमाम कैसे गजाली कुफर की का बात नहीं खौफ है? मानेगा, इस तरह की खुराफात अगर मजार इमाम पे करेंगे, गजाली की बात नहीं सजदा मानेगा, करेंगे, तब इमाम तवाफ करेंगे, गजाली की बोसा बात नहीं देंगे, मानेगा। और ये इसमें कुफर का खौफ है, आ, इसको बा, मना फरमाया गया, आ, मुतलकन उर्स को नहीं मना फरमाया गया है।
ये तेरे आला हजरत खुद कह रहा है कि मुतलकन नकल कर रहे हैं, आला हजरत ये नकल नहीं कर रहा है। ये देख सुन, ऊपर से सुन, ऊपर से सुन, बाज उलमा ने इस हदीस से देख देते बाज उलमा, सुन मैं पढ़ रहा हूँ, बाज, अरे सुन, इमाम गजाली तो आगे नकल है ना, इमाम गजाली का पहले तो इन्होंने उसको नाजायज करार दिया, नाजायज और हराम करार दिया। ये देख, अच्छा ऊपर से, ऊपर से पढ़, ऊपर से पढ़, बाज उलमा ने इस हदीस से इस बात पर इस्तदलाल किया है कि मौतुल्ला के कुबूर मकामात मुकद्दसा की जियारत के लिए सफा करना मना है, ठीक है, और मेरे लिए जो जाहिर हुआ है, ये देखो आला हजरत तेरे फरमा रहे हैं, मेरे लिए जो जाहिर हुआ है वो ये है कि मामला इस तरह नहीं है, बल्कि जियारत का हुक्म दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें कब्रों की जियारत से मना करता था, तो अब उनकी जियारत करो, लेकिन कब्र को बोसा देना, तवाफ करना, उर्स वगैरह करना सब नाजायज और हराम है, ऐसा करना ये तेरे आला हजरत का कौल है। अच्छा, आला हजरत का कौल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साबित करो, साबित करो, नहीं नहीं इमाम गजाली का तो नीचे बात है, तो सुन अभी देख, सुन सुन सुन, मैं साबित कर रहा हूँ, बस एक मिनट, एक मिनट, मैं साबित कर रहा हूँ तेरे आला हजरत का कौल है। अरे सुनना बात को, सुनना सुनना, गलत है, हाँ यहाँ से देख, अरे लानती आदमी, कितना तो लानती, अल्लाह अल्लाह की लानत का मुस्तहिक कितना होगा। फरमाते कि बाज़ उलमा ने सभी से इस्तदलाल किया है कि अल्लाह की कब्र मकामा के मुकद्दसा में ज़ियारत के लिए सफर करना है, और मेरे लिए जो कुछ, मेरे लिए यानी तुम्हारे आला हजरत के लिए जो कुछ जाहिर हुआ है, तेरे आला हजरत आगे क्या फरमाते हैं इमाम, मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ है वो ये है, मुल्ला का पूरा कौन लिखते हैं, नहीं नहीं इमाम गजाली का नीचे है, चुनांचे इमाम गजाली ये नीचे है इबारत, इबारत पर अच्छा चलते हैं, इबारत पर पूरी फरमाते हैं बोसा दाना तो तवाफ कर दल, अरे यार अल्लाह खुद फरमाते हैं, पूरी पूरी बात फरमाते हैं इमाम गजाली की, इसमें उस तरह की खुराफात करना नाजायज वरा में, झूठा कहीं का मक्कार, अबे झूठा तेरा तेरा आला हजरत झूठा है, तेरा आला हजरत झूठा है, ये तेरा आला हजरत झूठा है, तेरा आला हजरत झूठा है, तेरा आला हजरत झूठा है, तेरा आला हजरत कहता है मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ है वो ये है कि मामला इस तरह नहीं है, बल्कि जियारत कबूर का हुक्म दिया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें कब्रों की जियारत से मना करता था, अब उनकी जियारत किया करो, लेकिन कब्र को बोसा देना, तवाफ करना, उर्स वगैरह करना सब नाजायज और हराम है, ऐसा करना जियारत करने का तरीका और आदाब के खिलाफ है, चुनांचे इमाम गजाली अल्लाह रहमा अहले उलूम में फरमाते हैं, यहाँ इमाम गजाली का नकल आप कर रहे हैं कौल, चुनांचे इमाम गजाली फरमाते हैं ऊपर, हाँ 208 से ऊपर ही पढ़ता हूँ, बाज उलमा ने, हाँ सुन, बाज उलमा ने इस हदीस से, सुन ना, अरे इमाम गजाली का ऊपर नाम ही नहीं है, ये हमारे इमाम में फरमाता हूँ बाज़ उलमा ने सभी से इस्तदलाल किया है, इमाम गजाली का कौन नकल कर रहे हैं आला हज़रत की तीन मस्जिदों की तरफ, चुनांचे इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ई कौन नी नकल ना कर दत इमाम गजाली फरमुदास्त, समझे जाहिल, पढ़ 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 पढ़, अभी क्या क्या हुआ, रुक क्यों गया, रुक क्यों गया, रुक क्यों गया, पढ़ना, मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ है वो ये है कि मामला इस तरह नहीं है, बल्कि जियारत कुबूर का हुक्म दिया गया है, मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ है, मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ है, ये अपने आला हजरत में कितना झूठ बोलेगा लानती आदमी, हाँ तो हराम नाजायज हराम लिखा है कि नहीं लिखा है, नाजायज हराम लिखा है, ये तेरे आला हजरत के खिलाफ तेरा कॉल हो गया, तो तू बोलता है जायज है, तेरे तेरे बराबरी बदले से तू काफिर हो गया, अरे आपने आला हजरत पे कितना झूठ बोलेगा, पहले कहता है कि फतावा रजविया जो है इसके आला हजरत के जमाने में सब छप चुकी है, ये 1907 में छप चुकी है, ये बोलता 1911 तक छप चुकी थी, फिर जब इसका मैंने झूठ साबित किया तो बलबलाने लगा कि फतावा रजविया तेरे आला हजरत के जमाने में छपी नहीं, बाद के उलमा ने छापी थी, बाद के उलमा ने, ये फिर कहते लगा आपके आला हजरत ने मुरतब कर दिया था, झूठ बोल रहा है, फिर मैं जब से इसको साबित किया कि तेरे आला हजरत ने मुरतब नहीं किया फतावा रजविया, हाँ तो तेरे बाद के उलमा ने मुरतब किया, फिर ये भागेगा, फिर अब यहाँ भी देखो झूठ बोलता है, यहाँ लिखा है कि नहीं, यहाँ यहाँ लिखा है कि नहीं कि मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ, मेरे लिए जो कुछ जाहिर हुआ यहाँ लिखा है नहीं, मा तबाइन अली
इमाम गजाली एक कह रहे तेरा अजब मेरे लिए जो कुछ जाए नकल करे नाकिल के नकल करे बाद में बीच में क्या बोल रहे जो कुछ मेरे लिए जाहिर हुआ ठीक है तो ये तुम्हारे आलमगीर को जाहिर हुआ। अच्छा ये बता ये इसमें जियारत कबूर को और उर्स वगैरह को जो आदाब बयान किए तो इसमें उर्स करना नाजायज हराम लिखा है कि नहीं उर्स वगैरह नाजायज मुतलक कहा गया तीन चीज का नाजायज हराम कहा गया। सुन 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 कब्र को बोसा देना तवाफ करना उर्स करना तीन चीज को नाजायज हराम कहा गया है और